हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है न्यू क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास में अपन चल रहा है यानी कि मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में अभी तक अपन ने बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर अपना चल रहा है। जहांगीर को आज कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें मैंने अभी तक आपको बताया कि जहांगीर का जन्म कहाँ पर हुआ। तो आपने देखा जहांगीर का जन्म सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, जो कि कौन थे, एक सूफी दरगाह सूफी संत थे। ये आपको देखना है, क्योंकि अकबर के द्वारा सलीम चिश्ती से आशीर्वाद दिया गया था। उसके बाद ये जहांगीर का जन्म होता है, और जहांगीर का जन्म होने के बाद अकबर ने इसका नाम सलीम भी रखा, और अकबर इसे शेखू बाबा के नाम से भी पुकारता था। ये सारी चीज़ें देखी, उसके बाद आपने देखा और भी सारी चीज़ें थी। जैसे अगर बात करते हैं तो अकबर यानी कि जहांगीर की दो शादियाँ होती हैं, जिनमें से आपने देखा एक के साथ खुर्रम और दूसरे के साथ खुसरो। और इसके बाद आपने देखा कि वैसे जहांगीर के अगर टोटल पुत्रों की बात करते हैं तो 5 पुत्र थे। जैसे खुसरो, खुर्रम, सहरियार, परवेज, इस तरीके से इसके पुत्र थे। इनमें आपको खुसरो और खुर्रम याद रखना है, क्योंकि जब आपको पता है खुर्रम के द्वारा जब विद्रोह किया जाता है, खुसरो के द्वारा विद्रोह किया जाता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें अपन ने देखा कि क्या देखा अपन ने इसमें, कि अकबर जहांगीर को बंदी बना लिया जाता है महमद खां के द्वारा, और लाहौर में रावी नदी के तट पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इसमें क्या होता है, आपने देखा कि पुर्तगालियों से संबंधित चीज़ें भी देखी, क्योंकि जहांगीर के टाइम पर ही भारत में पुर्तगालियों के द्वारा अनुमति यानी कि 1615 में सूरत में जो सर थॉमस रो आए थे, उनके द्वारा सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली थी। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा किस शासक के टाइम पर अनुमति प्राप्त की थी, तो ये शासक थे आपके जहांगीर, ठीक है। और कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 में। उस टाइम पर शासक कौन था, तो ये शासक था आपका कौन था, अकबर। पता है आपको अकबर मतलब कंपनी ने जब रानी एलिजाबेथ इनको अनुमति दे देती है, तो अकबर के नाम से शाही फरमान लेकर कैप्टन हॉकिंस आते हैं। कैप्टन हॉकिंस यानी कि फारसी भाषा भी जानते थे, और इस तरीके से जब उन्होंने जहांगीर से कुछ बातें की कि नहीं, हमारा ये समझौता अकबर के टाइम पर हो चुका था और आप हमें अनुमति दे दीजिए, तो इस तरीके से अंग्रेजी भी बोलता था। तो इससे प्रभावित होकर, कैप्टन हॉकिंस की बातों से प्रभावित होकर जहांगीर के द्वारा इसे इंग्लिस खान की भी संज्ञा दी थी। तो आपको याद रखना है जो कौन था, कैप्टन हॉकिंस कौन से जहाज से आता है, तो हेक्टर नामक जहाज से आता है, और जहांगीर के द्वारा इसे इंग्लिस खान की उपाधि भी दी गई। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखना है, लेकिन अनुमति तो नहीं देता है। इस तरीके से थॉमस रो आता है, थॉमस रो के द्वारा अनुमति प्राप्त कर ली जाती है, और सूरत में व्यापारिक जो सेंटर होता है वो खोलने की अनुमति मिलती है। इसमें आपको देखना है कि आज जहांगीर के बारे में देखना है कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए। मैंने आपको जहांगीर के निर्माण कार्य के लिए अगर बताऊं, तो जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। ये चीज़ आपको पूछा जा सकता है, न्याय की जंजीर कहाँ पर लगाई थी, ये किस नदी के तट पर लगी थी, तो यमुना नदी के तट पर आगरा किले से। ये आपको याद रखना है आगरा, आगे देखते हैं अपन पूरा। तो सबसे पहले जहांगीर के निर्माण कार्य देख रहे हैं, जहांगीर के निर्माण कार्य, ठीक है। इसमें आपको देखना है 12 अध्यादेश किस शासक से संबंधित है, तो जहांगीर से संबंधित है। जहांगीर अपने पिता अकबर के समान ही उदार हृदय वाला शासक था, ये चीज भी आप याद रख सकते हो। जहांगीर के द्वारा 12 अध्यादेश जारी किए। 12 अध्यादेश मतलब इसमें इस तरीके से घोषणा की गई कि किसी भी प्रकार का मद निषेध पर रोक लगाने की कोशिश की गई, जो शराब होती है उस पर। दूसरा क्या है इसमें, इस तरीके से जो छोटे पूरे कर होते थे उन पर रोक लगाई कि कर नहीं लिए जाए, और रविवार और इसमें शुक्रवार के दिन, रविवार और गुरुवार के दिन जो पशु बलि हत्या की जाती है उस पर इसने रोक लगाने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से 12 अध्यादेश किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये जहांगीर से संबंधित है, ठीक है। न्याय की जंजीर यानी कि ये जंजीर सोने की बनी हुई थी, इसमें कहते हैं लगभग 16 घंटियाँ लगी हुई थी, ठीक है। तो ये घंटियाँ याद नहीं हो कोई परेशानी नहीं, तो जहांगीर न्याय की जंजीर है जो यमुना नदी पर, ठीक है। आगरा के किले साहेबगंज से, आगरा का जो किला है साहेबगंज से कहाँ तक लगी हुई थी, ये यमुना नदी के तट पर लगी हुई थी, इस तरीके से याद रखनी है। वही अगर बात करते हैं जहांगीर के द्वारा जो अकबर का मकबरा बनवाया गया, अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो सिकंदरा आगरा में, सिकंदरा बाद नहीं है,
सिकंदरा है ये, सिकंदरा, ठीक है, सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पड़ता है, ये है सिकंदरा आगरा में। इसके साथ में इसमें क्या विशेष है, जो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया है अकबर का किला, इसमें ये विशेष है कि इसमें मीनारें तो है पर इसमें टॉम मतलब जो गुम्बद होते हैं ना, इस तरीके से ये गुम्बद बनते हैं, ये नहीं है इसमें, तो इसमें गुम्बद नहीं है, ये मुख्य विशेषता है, गुम्बद भी नहीं है, ठीक है। यहीं पर मरियम उस जमानी का मकबरा, ठीक है, सिकंदरा में ही स्थित है, ये अकबर की बीवी थी, ये याद रख सकते हो। जहांगीर के समय, जहांगीर के समय भारत में पहली बार तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई, ये पॉइंट भी पूछा गया है। एतमादउद्दौला जिसे गयास बेग के नाम से जाना जाता है, नूरजहां ने अपने पिता एतमादउद्दौला का मकबरा बनवाया है, ये भारत का पहला मतलब भारत में पहली बार पितृदुरा शैली में जड़ित एकमात्र भारत का मकबरा है जो पहली बार बनाया गया था। इसमें किसी भी प्रकार का कहीं भी किसी भी प्रकार का ज्वाइंट नहीं दिखाया गया है, टोटल वाइट संगमरमर से बना है, ये आप याद रख सकते हो। बीवी ताज यानी कि नूरजहां की माँ अस्मत बेगम को भी इसी जो हैतमादउद्दौला का मकबरा है वहीं पर दफनाया गया था। तो बीवी ताज किससे संबंधित है, तो गयास बेग की पत्नी अस्मत बेगम से संबंधित है, ठीक है, ये चीज याद रख सकते हो। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा भी जहांगीर के द्वारा बनवाया गया, जो कहाँ स्थित है, जो स्थित है दिल्ली में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अब्दुल रहीम खाने खाना को सलीम यानी कि जहांगीर ने अपना गुरु बनाया था, इस कारण से ये इनका मकबरा बनवाते हैं दिल्ली में, ठीक है, ये चीज। और इसमें जहांगीर के बारे में देख लेते हैं, जहांगीर यानी कि स्वयं का मकबरा कहाँ पर बनाता है, तो लाहौर सहदरा, ये याद रखना है, लाहौर में जहांगीर का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। चित्रकला यानी कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ये चीज भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जहांगीर से संबंधित जो फैक्ट थे वो कंप्लीट होते हैं। कल इसमें पढ़ेंगे अपन शाहजहां के बारे में पूरा फैक्ट के रूप में, ताजमहल किसके द्वारा निर्मित किया गया, क्या है ताजमहल के लिए, क्या तख्त-ए-ताऊस ये सिंहासन जो शाहजहां बैठता था, ये सारी चीजें, ठीक है, और परवर्ती मुगल जो आए थे जिनमें से इम्पोर्टेंट रहेंगे वो सारे कंप्लीट करते हैं। कल फिर मिलते हैं, इस तरीके से मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कल फिर मिलेंगे, थैंक यू।